अपने चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोग का बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर को सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पेपर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। अब आप लोग की एडमिशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, सभी लोग अपने यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों में एडमिशन ले चुके हैं। अब आप बात करें आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल पर, चाहे आप किसी भी कोर्स हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम से। तो देख लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में क्या क्या डिस्कस करना है, और डेली आपकी लाइव सेशन भी चलेगी हर एक चैप्टर से या हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बात करते हैं कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट आपके कितने हैं, कौन से माइनर पेपर हैं, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम कम्प्लीट डिस्कस करेंगे। बात करें यहाँ पर बीकॉम, अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हमको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, तो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि क्या सिलेबस है, पेपर कौन से पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर दिख रहा होगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर है और यहाँ पर पेपर कोड है, ठीक है। जो भी आप सब्जेक्ट, ये जो इस साइड लिखा है ये आपका पेपर कोड है। कोर्स टाइटल मतलब कौन कौन से पेपर आपको पढ़ने हैं और क्रेडिट्स हैं आपके, ठीक है। बात करें यहाँ पर ए लिखा है मेजर कोर्सेज, मेजर का मतलब ये ऐसे पेपर हुआ है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो मेजर मीन्स कंपलसरी पेपर होते हैं, अनिवार्य पेपर होते हैं। सबसे पहला अगर हम पेपर की बात करें कॉम 101, जो कि ये आपका बिजनेस एनवायरमेंट है, बिजनेस एनवायरमेंट आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। दूसरा है कॉम 102, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है फर्स्ट पेपर, ठीक है। नेक्स्ट पेपर है आपका कॉम 103, व्यावसायिक संगठन, हिंदी में मैं बताते चल रही हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं यहाँ पर व्यावसायिक संगठन, जो कि ये दो पेपर है, पहला और दूसरा, और बिजनेस एनवायरमेंट व्यावसायिक पर्यावरण, ठीक है। तीसरा जो पेपर है आपका यहाँ पर कॉम 104, जो कि डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम 105, जो कि बिजनेस स्टैट्स का व्यावसायिक सांख्यिकी, जो कि पहला पेपर है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का दो पेपर है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से क्या है, दो पेपर आपको पढ़ने हैं व्यावसायिक सांख्यिकी के। नेक्स्ट पेपर है कॉम 107, जो कि एलिमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। तो टोटल अगर हम यहाँ आपके मेजर कोर्स पेपर की बात करें तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल आपको 7 जो है मेजर कोर्सेस आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। बात करें ये जो डॉक्यूमेंटेशन और की इन बिजनेस की बात करें तो आई थिंक ये वाइवा पेपर होता है, ठीक है, और रिटर्न ये सारे पेपर होते हैं। बात करें नेक्स्ट आपको ऐसे पेपर हैं जो कि उसमें से यहाँ आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आपको चूज़ करने हैं कि भाई जो भी आपका जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो वो आप सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन दोनों में से कोई आप एक ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। बात करें कॉम 108, जो कि पेपर कोड है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संप्रेषण, जो कि पहला पेपर है। दूसरा है कॉम 109, बिजनेस कम्युनिकेशन का सेकंड पेपर, व्यावसायिक संप्रेषण का दूसरा पेपर, ठीक। या तो आप दोनों ये ले सकते हो, दूसरा है यहाँ पर और लिखा हुआ है, या तो कॉम 110, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का फर्स्ट पेपर, और कॉम 111, जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का सेकेंड पेपर। तो ये दोनों ले सकते हो या ये दोनों ले सकते हो, अब जो भी आपको यहाँ पर चूज़ करना है आगे आपको, या आप तो आपको अगर कंप्यूटर पसंद है या कम्युनिकेशन पढ़ना पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, ये आपके टोटल मेजर पेपर थे अगर हम बात करें। यहाँ पर अगर माइनर पेपर की बात करें, माइनर मतलब यहाँ पर आपको एक कोई चूज़ करना ही होगा माइनर में, मेजर वो जो अब तक मैंने पेपर बताया वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। माइनर पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे आपको माइनर पेपर दिख रहे होंगे, इंग्लिश, उर्दू, विजुअल आर्ट्स, फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू दीन दयाल, इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर, माइनर ग्रुप, मतलब इसमें से आप कोई भी आपके कॉलेज वाले जो भी, जैसे इंट्रोडक्शन टू दीन दयाल, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, मतलब अपने अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी वो माइनर कोर्स चूज़ करते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। हर कॉलेज में अलग अलग चूज़ किया जाता है, तो इसमें से आप कोई भी माइनर यहाँ पर इलेक्टिव यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, इसमें से कोई भी आप अपना पेपर। मेजर कोर्सेज की हम बात करें तो मेजर कोर्सेज आपके इतने ही हैं, थोड़ा यहाँ पेपर टफ है अगर हम बिजनेस स्टार्ट्स दोनों पेपर की बात करें और आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। इन्वायरमेंट आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, बट यहाँ पर दो जो पेपर हैं आपके लिए बिल्कुल नए हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन भी काफ़ी टफ पेपर है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था। अब सिलेबस में हर एक यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें क्या क्या
पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आपकी क्लासेस भी जो है, क्लासेस जो है आपकी, आप टाइम शेड्यूल कर देना उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस जो चलेंगी, आज आपकी चलेंगी क्लासेस जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास जो है चलेगी, ठीक है। डेली हम लोग सब्जेक्ट वाइज ऐसे क्लासेस को रन करेंगे। ओके, थैंक यू।